रउआ देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। युवाओं का देश है भारत, युवाओं का राज्य है बिहार, और बिहार कितना महत्वपूर्ण है योगदान देने के लिए अपने कर्म, धर्म और मेहनत के निष्ठा के साथ, ये हर कोई बखूबी जानता है। इसका ब्यौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था 2014 के लोकसभा के वक्त। उन्होंने कहा था कि जितने भी बिहार से लोग मजदूरी करने आते हैं वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं गुजरात को आगे बढ़ा रहे हैं। कई तरीके की बात कही जाती है, युवाओं को लुभाया जाता है, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन जब सत्ता में कोई पार्टी काबिज हो जाती है तो वो जो सपने होते हैं वो कहीं ना कहीं मुंगेरी लाल वाले हो जाते हैं। मतलब कि आँख खुला, आप अपने ज़िंदगी के रेस में आगे बढ़ जाइए, जो सपना दिखाया था किसी ने उस सपने को भूल जाइए, क्योंकि वो सपना पूरा नहीं होगा। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, हर साल रोजगार देने की बात की जा रही है, रोजगार मिलता भी है लेकिन कभी कभी उस रोजगार में घोटाले हो जाते हैं। सरकार सरकारी एग्ज़ाम्स लेती है ताकि सरकारी नौकरी मिले, जिस तरीके से एग्ज़ाम होता है धांधली सामने आती है, फिर उस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाता है, फिर वो युवा कोर्ट में केस करते हैं, कोर्ट में लंबे समय तक केस चलता है, और जब लंबे समय तक ये केस चलता है तो मालूम प्रतीत होता है कि उम्र निकल गई उन युवाओं की अब ज्वाइन करने के लिए। देश में सबसे बड़ा मुद्दा अगर कुछ है तो वह है बेरोजगारी। अगर आप बेरोजगार हैं तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, कारण आपके पास पैसे नहीं होंगे इलाज के लिए। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपके घर में बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, कारण बेरोजगार है, पैसे नहीं होंगे तो अच्छे स्कूल में फीस कैसे देंगे। सरकारी स्कूल भी हैं लेकिन हालात क्या है सरकारी स्कूल का, ये किसी से छिपा नहीं है। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको भूख लगेगी, आप कुपोषित हो जाइएगा। कुपोषित से याद आया AES का मुद्दा, किस तरीके से बच्चे मर गए, ये भी बेरोजगार से जुड़ा हुआ है, कारण है। पैसे जब नहीं होंगे तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते, आप अच्छी शिक्षा नहीं पा सकते और आप भर पेट खाना नहीं खा सकते। एक आम इंसान के जीवन में रोटी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, उसके बाद स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और अगर खाइएगा तो स्वस्थ रहिएगा, और स्वस्थ रहिएगा तो शिक्षा पाइएगा। हम अक्सर रातों रात आप तमाम दर्शकों के लिए राजनीति से जुड़ी उठा पटक लेकर आते हैं, आज हम बेरोजगारी पर चर्चा कर रहे हैं, ये भी राजनीतिक टूल है, लेकिन इसका जो हम आप तक मैसेज पहुंचाएंगे वो थोड़ा अलग है, लेकिन राजनेताओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि शिक्षा मंत्री होते हैं, उद्योग मंत्री होते हैं, स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उप मुख्यमंत्री होते हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, कई तरीके के मिनिस्ट्री बनाई गई है, लेकिन आज भी देश खुशहाल नहीं है। चर्चा खास है, बड़ी है, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे न्यूज बिहार के मेंटर विजय मिश्र बाबा। तो इनके पास चलने के पहले एक बार फिर बात हम कर लें कि चर्चा राजनीतिक नहीं है, लेकिन इसे राजनेता से जरूर जोड़िएगा। चुनाव नज़दीक आने वाला है बिहार में, वोट जब मांगने आए नेता तो उनसे एक बार ब्यौरा लीजिएगा कि आखिर आपने पिछले 15 साल में क्या किया, क्योंकि 15 साल होने जा रही है नीतीश सरकार को। स्वागत है बाबा। बोल रहा था सौंसे बिहार के चर्चा से जो छेड़ला है, ये चर्चा की शुरुआत 2014 में बड़ा आशा के साथ भई रहे जी, और आशा से जब नियासरा के हो जाला जी, तो ओकरा जितना बड़ा चोट लागेला मौत से भी ज़्यादा असरकारक होला जी, क्योंकि जिंदा आदमी मौत के समान अपना के महसूस करेला। वही घड़ी जब आसरा से नियासरा होके लागल लोग, तो आशा और भरोसा के साथ हम चार गो लाइन लिख ले रहे जी। वो लाइन पहले हम शुरू करते नहीं, ओकरा बादे हम जी आगे बढ़ चर्चा बढ़ाई। केहू कुछो कहे बाकी हमरा यह बुझाता, हमरा बिहार के दिन अनहरिये लेखा सुझाता जी। एको रोजगार नहीं कल कारखाना खोलाता, रोजी के जुगाड़ में बिहारियन के हार दुहाता जी। चर्चा तो शुरू कैला है कि गुजरात से जब नरेंद्र मोदी के पूजा के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री खातिर नॉमिनेट कैल गई जी, तो पूरा देश में वो खुशी के लहर रहे, और ये वादा कैल गए रहे कि यह देश में, चूँकि भारत विश्व के सबसे युवा देश बन जी, वादा कैल गए रहे युवा लोग से कि युवा लोग के रोजगार दिया, कमाई के जरिया हुई, और एकरा चलते अखमुदा वोट दिया जी।
युवा लोग नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित कैले और यह ना अब तो दोबारा प्रधानमंत्री बनावल गई जी। जब 5 साल के तू आंकड़ा लेके अब तो 5 साल में बड़ा चौंकावे वाला आंकड़ा बा आर्यन जी। सबसे चौंकावे वाला आंकड़ा तो ये बा कि जोन गरीब मिडिल वर्ग अपना बाल बच्चा के कर्जा ऋण काट के भेजते हुए पढ़ाई खाती बेहतर एजुकेशन देता शिक्षा देते हुए दिन रात पेट काट के अपन सारा शौक सुविधा के में कटौती करके और कैसों चाहता कि हमारे लड़का कोनो ऐसा हुनर सीख जाओ कोनो ऐसा पढ़ाई कर ले जोना से अपना जिंदगी के गाड़ी आगे बेहतर ढंग से चला सको हमारा लेखा होकर जिंदगी ना होके। लेकिन जब आंकड़ा तरह के बताई और जब देश के सामने आंकड़ा रखल जाए तो सबसे ज़्यादा चौंकावे वाला आंकड़ा सदन में 543 को लोग जो बैठल बड़ू है उनका के चुन के हमनी के भेजले बानी जा और चुन के हमनी के यही खातिर भेजले रही जा कि वो जा करके दवाई कमाई एकरा बाद पढ़ाई जी। लेकिन सबसे दुखद बात बा कि पढ़ाई के बाद आंकड़ा सबसे ज्यादा चौंकावत रहे जी कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोग के स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय बड़ू है जी। अगर निराक्षर लोग बा तो ओकर आंकड़ा तू सुनबो तो ओकर आंकड़ा 45 साल के सबसे ज्यादा निचला स्तर पर बड़ू है जी। यानी कि 45 साल में बता रहा बड़ू है आंकड़ा कि 2.1% निरक्षर लोग जन बड़ू है वो बेरोजगार बा जी। लेकिन वही तू साक्षर लोग के बात करता रहा हायर सेकेंडरी से ऊपर उठा तो 9.2 हो जाता जी। ओकरा ऊपर उठा तो और बड़ा बेरोजगारी का आंकड़ा होते हुए जब सबसे बड़ा बात तरह के बताओता नहीं कि होम डिलीवरी खातिर आजकल देख ले होगा कि बहुत सारा लड़का तारा भी आओ थी मोटरसाइकिल से जी। कभी जोमेटो के नाम लेकर के कभी स्विगी के नाम से कभी अलग अलग और भी ई कार्ड फ्लिपकार्ट जितना भी चीज बा जितना भी इस तरह के मैंने संसाधन बा होम डिलीवरी वाला व्यवस्था बढ़ुए इस सब में तो युवा लोग के देख लो को मोटरसाइकिल से बीच पर सामान लाद के लेके आवत जी। कभी हम सबको ही आग्रह कर देनी कि मौका मिले तो 2 मिनट वो लड़का के एक गिलास पानी पिया के और पूछी कि बबुआ तू कितना पढ़ल लिखल बा रुआ ये देश के हकीकत पता चल जाए जी। वो में कई पोस्ट ग्रेजुएट कई IAS के तैयारी करके और वापस आगे बढ़े जी। कारण आरक्षण से परेशान बढ़े जी बेरोजगारी से परेशान बढ़े सरकार के लगे नौकरी निखे से परेशान बढ़े तो धांधली है और एकरा बाद प्रमाण भई रहे कि हेजा बेरोजगारी बा होजा बेरोजगार हम एकरा के खत्म कर दे हम वही चीज खत्म कर दे। लेकिन समस्या पिछलकी सरकार से 2014 से पहले जो सरकार रही UPA की ओकरा से भी बदतर स्थिति बा। हम कोई UPA के प्रवक्ता ना है पैर भी नहीं कर लेकिन मोदी जी अमित शाह जी जरूरी रहला 3 तलाक जरूरी रहला धारा 370 35 से भी जरूरी रहला एकरा साथ साथ और भी बिल जरूरी रहला जी। लेकिन सबसे जरूरी रहला दवाई पढ़ाई और कमाई ये 3 गो चीज बहुत जरूरी है देश खातिर बढ़ुए। कारण सिर्फ वही हम काहे बतिया होता नहीं हम बात करब नीतीश जी के भी नीतीश जी 14 साल रुआ शासन करत हो गई और एकरा में अगर 2-3 साल के समय अगर हटा दही तो अक्सर समय रुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ रहल बनी जी। 5 साल के शासन में भले रुआ कुछ समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं ही रहल लेकिन अधिकांश समय रुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ रहल बनी और भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के भी रुआ ये कहते हुए कि हम डबल इंजन के सरकार में बानी और डबल इंजन के सरकार में भी रुआ उ चीज़ ना दिखा पौनी उ चीज़ ना कर पौनी जौन की होके के चाहत रहा। बिहार में हम शुरू में बताइए कि ना एगो कल बा ना कारखाना बा ना कुछ बढ़ुए सिर्फ बिहार के लोग के हार दुहा रहा बढ़ुए। आंकड़ा इतना चौंका रहा बा कि 25,000 से ज़्यादा एक सर्वे आई बढ़ुए जौन मेन पावर एक कंपनी बा मेन पावर कंपनी देश के रोजगार देवे वाला सबसे बड़ा कंपनी HR कंपनी बढ़ुए तो कंपनी के एगो सर्वे बढ़ुए सर्वे में कहल जा रहा बढ़ुए कि 25,000 से ज़्यादा बहुत बड़ा आंकड़ा बढ़ो 25,000 का आंकड़ा कम ना होके 25,000 से ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लोग ये तरीका के डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता जी बिल्कुल। एकरा साथ साथ आर्यन चौंकावे वाला आंकड़ा बा बिहार में पिछला 2 साल से भारतीय जनता पार्टी और जदयू के सरकार बढ़ुए
एनडीए के सरकार बा, और ये एनडीए के सरकार में खाली आंकड़ा हमरा के या देश के बिहार के लोग के भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी बता दें कि कितना रोजगार दिले और कितना फैक्ट्री खुलल बिहार ऐसा राज्य में जहाँ कहा जाला कि न्याय के साथ विकास वाला सरकार बढ़ुए बिहार में बाहर बा नीतीशे कुमार बढ़ुए एक बावजूद बिहार में रोजगार सृजन खातिर का कहीं नहीं। उद्योग विभाग इतना ज़्यादा परेशान बा कि उनकर मंत्री साहब के अगर बात कर ली तो गाली गलौज से बात करे ले, बिल्कुल गैला पर अपना दरवाजा पर कुत्ता के तरह झारे ले जी। उनका बयान के तलखी रुआ देखे के बाद रुआ देख सकीले कई को मीडिया चैनल में चल रहा बा जी। कभी वो अपने पार्टी के विरुद्ध बोले ले जी, बिल्कुल। वर्तमान स्थिति जो बिहार सरकार के बढ़ुए वो बड़ा चिंताजनक बा रही है। लगातार तुम जाता रह लोग से संपर्क करते रह, हम तो बहुत कम लोग के संगे इंटरव्यू करी ले या साझा होला हमारे जो कार्यक्रम बोल गए, लेकिन तहनी के जाता रह लोग तहनी लोग के माध्यम से जो बात नटसेल में आ रहा बा और जो युवा लोग के आक्रोश बा वो बड़ा विस्फोटक हो रहा जी। एकरा पर जल्दी अगर विराम ना लागल तो देश एक बड़ा आंदोलन की तरफ जा रहा बा। बात जब जितना जल्दी इस देश के राजनेता लोग समझ ले उतना बेहतर हुई। अही पर तहार आकलन का बा तू अपन युवा बाड़ा तुहु साझा कर सकेला जी, बिल्कुल। देखिए शॉर्ट में एकदम बात करते हैं, तीन पहलुओं पर बाबा ने बहुत अच्छे से रोशनी डाली है। पहली बात करें तो 40 से 45 साल के उन युवाओं की, तो 40 से 45 साल में बाबा ने उन लोगों को जोड़ा जो ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। और अक्सर आप देखते होंगे कि जब भी बिहार सरकार या केंद्र सरकार द्वारा किसी भी सरकारी फोर्थ ग्रेड की नौकरी के लिए अगर वैकेंसी लाया जाता है तो ये ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट उसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये आप जनता को तय करना है कि आने वाले समय में मत कैसे देना है। दूसरी जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तरह के बताया था नहीं कि सरकार के लगे बहुत सारा योजना बा जी, लेकिन वो योजना के धरातल पर कितना उतारल जाता ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात बढ़ुए। योजना बनौला से ना होला, योजना के क्रियान्वयन जो बा वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होला जी। और ये देश के सबसे बड़ा सेटबैक जो कहा जाला, जो कमी कहा जाला, वो कमी ये बा कि 70 साल में हमनी के सिर्फ कुर्सी तक जाए वाला रास्ता कौन सुगम बढ़ुए ओकरा पर काम कैले बनी जा, लेकिन वो रास्ता पर काम नहीं किया कहले कि कठिन तो होके लेकिन मजबूत रास्ता होके कि एक बार जब वो मजबूत पर पिलर गड़ा जाओ तो फिर मकान हिलो मत चाहे कतनो भूकंप आवे जी, बिल्कुल। 70 साल के बाद हो रहा बुड़े भारतीय जनता पार्टी कहता कि 70 साल में कुछ नहीं के भइल, अगर कुछ ना भइल रहित तो आज ये देश बाचल ना रही जी, बिल्कुल। लेकिन ये 5 साल में का भइल बा उस 70 साल के तुलना ना कही जा सकेला जी, बिल्कुल। अगर 70 साल वाला बढ़िया काम कैले रही तो 5 साल रुआ के मौका ना मिली जी, बिल्कुल। और 5 साल के बाद फिर 5 साल मौका मिलना ये कोनो ए चलते नहीं खे कि रुआ बहुत बढ़िया 5 साल में काम कैले बानी, रुआ ये कहले रही हाँ कि 5 साल हमारा इस देश के जो कमी रहा हा ओकरा के सुधारे में लग गई जी। अब ये 5 साल विकास खाती हुई, ये 5 साल वो युवा से जो वादा कैले रही हुई रुआ अपन वादा के पूरा करे में तो लग गई नहीं। अगला 2024 में वोट के तैयारी तो रुआ करता नहीं जी, रुआ 3 तलाक पर बात कर लेनी जौना वर्ग के सबसे ज्यादा रुआ से दूरी बनावे खातिर कहल जात रहा, परंपरागत रहा है, चर्चा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से जो अल्पसंख्यक समाज बा वो बहुत दूर बा ओकरा खातिर सब व्यवस्था रुआ करे लगनी। 3 तलाक से निश्चित रूप से फायदा मुस्लिम महिला लोग के मिली जी। धारा 370 समाप्त भई, लेकिन एक तरीका के कई ऐसा धारा बा जो अलग अलग राज्य में बढ़ुए। बहुत बढ़िया बात भई कि धारा 370 खत्म भई और एकरा साथ साथ जो जम्मू कश्मीर के लोग बा वो लोग के भी देश के मुख्य धारा से जुड़ करके और विकास के एक नया गंगा, लेकिन सिर्फ कहला से ना गंगा बही जी, बिल्कुल। ये देश में अधिकांश लोग बेरोजगारी से जूझ रहा बढ़ुए, बीमारी से जूझ रहा बा, दवाई कमाई पढ़ाई के स्थिति भी बहुत दयनीय चल रहा बा। अब स्थिति बा कि बिहार में बच्चा मरत रहन चमकी बुखार में कुपोषण से और कह दिया जाता कि लीची खा के मरलन जी, बिल्कुल लीची खा के मर जा रहे हैं। तो खैर बाबा ने पोस्ट ग्रेजुएट का जिक्र किया, मैंने उसको समझाया, बाबा ने डिस्कस किया कुरियर बॉयज का, डोमिनोज
मिनट में पहुंचाने का वादा करते हैं। जितने तेजी से वो लड़के पिज़्ज़ा लेकर आते हैं, रोड एक्सीडेंट में अधिकतर पिज़्ज़ा वाले गिरते हैं। तो ये बेरोजगारी का कारण है कि घर की रोजी रोटी चलाने के लिए उन्हें डिलीवरी बॉय बनना पड़ता है। और ये जो डिलीवरी है ये भी विदेशी कंपनियों की है। विदेशी कंपनी आते हैं देश में, बिहार में, अन्य अन्य राज्य में सेटअप करते हैं और लोगों को हायर करते हैं। मतलब देश के पास कोई भी ऐसा समाधान नहीं है जिससे रोजगार दिया जा सके। गुजरात मॉडल का जिक्र किया गया था, गुजरात जैसा देश को बनाने की बात कही गई थी। गुजरात के पास तो जनाब बहुत सारे फैक्ट्रीज पहले से थे, चीनी मिल पहले से थी, हीरा का वहाँ पर व्यापार किया जाता था, लेकिन बाकी राज्यों का क्या? आर्यन, जब मेन पावर कंपनी की हम बात करते हैं, जो सर्वे के लिए रहा, वो कंपनी का कहना ही रहा है कि 5000 देश में प्राइवेट कंपनीज वाली, वो प्राइवेट कंपनी हाथ खड़ा कर देने वाली जी, विकास के जो रास्ता बढ़ुए, विकास के जो बड़ा एक आवरण तैयार कर बढ़ुए, बड़ा परिदृश्य हमने के देखाओ जाते हुए, वो विकास के सबसे बड़ा आंकड़ा और पैमाना नापे खातिर कसौटी जो बढ़ुए, वही 5000 कंपनी बारी, जो कंपनी 61% तक अपना नया बहाली में कटौती कर चुकल बा। सबसे बड़ा बात बोलिए, तू सोच लगे 61% के मतलब तू समझ सकेला कि जो रिटायर हुई हैं या फिर दूसरा कंपनी में जात हुई हैं, वह सीट खाली होता तो ऊपर कैसे हूँ पूर्ति कर जाता खाना पूर्ति। अदरवाइज ये 5000 कंपनी हाथ खड़ा कर ले पड़ी कि हमारे लगे अब रोजगार नहीं है। एक मतलब कि नया रोजगार सृजन करे पड़ी। एक साथ साथ विकास दर के बात करोगे तो विकास दर भी 5.8 पर आके टिक गई बढ़ गए। इन सब के बाद हालांकि मोदी सरकार के ध्यान पर गई बा, एक सूत्र बता रहा बड़े कि मोदी सरकार अंतिम तिमाही जो चल रहा बढ़ गए 2019 के, वो तिमाही में 15-16 मंत्री लोग के मिला करके एगो कमेटी के गठन कर बढ़ गए और वो रोजगार सृजन के नया नया आयाम खोजे खातिर वो लोग के कहल गई बा। लेकिन एक बाद भी हम ए बात के दावा के साथ कहते नहीं कि अभी बहुत समय लगी, जब तक ले सरकार पूरी तरह से एकरा पर फोकस ना करी तब तक ले रोजगार सृजन कई गो ऐसा अथी सरकार के ले आवल नीति बढ़ुए कानून बा जोन फेल हो रहा बढ़ुए। स्किल इंडिया के तो नाम सुन लो, स्किल इंडिया पूरी तरह से फ्लॉप अभी बढ़ुए। एक बाद अब एक ही बात रह गई बा कि सरकार आखिर रोजगार सृजन कैसे करी जी, एक सबसे बड़ा सवाल बा। ये देश में दू गो सवाल बहुत ज़्यादा तेजी से उभर रहा बढ़ुए। पहला तो ये बढ़ुए कि रोजगार जी, अगर रोजगार युवा के ना मिली तो उनको मानसिक अवसाद पैदा हुई और जब मानसिक अवसाद पैदा होला, घर में बैठल कोई भी माता पिता जब अपने बेरोजगार बेटा के देखत हुई हैं तो उनका मन में कई तरह के सवाल आवत हुई जी। एक साथ साथ जो लड़का लगातार अपन पढ़ाई करके रोजी रोजगार खातिर नौकरी खातिर इंतजार में बढ़ुए, कंपटीशन के तैयारी कर रहा बा, ओकरा अगर नौकरी नहीं के मिलत तो निश्चित रूप से वो दिशा भट से भटकी, कोई गलत रास्ता चुनी। ऐसे सबसे जरूरी बा कि देश में रोजगार पैदा कर जाओ और युवा लोग के एक सही डायरेक्शन में, सही रास्ता में। नारा तो बहुत लगवा लेनी युवा लोग, नेताजी लोग माफ़ करब सब है, युवा लोग नारा बहुत लगवा लेनी, लेकिन अब नेतृत्व करी सब है कि ये देश के युवा, ये देश के बेरोजगार के रोजगार मिलो जी। बिल्कुल, तो हमारा ये रातों रात कैसा लगा आप दर्शक कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अक्सर रातों रात में बिहार और देश की राजनीति में जो भूचाल आता है, जो बदलाव आते हैं, वो हम लेकर आते हैं, लेकिन इस वक्त देश में जो सबसे बड़ा चर्चा है बेरोजगारी, उसे हमने रातों रात आपके लिए लाया है। एक से बड़ा भूचाल कुछ भी ना हो सकेगा जी। बिल्कुल, जब देश के सबसे बड़ा है, विश्व के सबसे युवा देश अगर बेरोजगारी के दंश झेल रहा बा, कुपोषण बढ़ुए, रोजगार सृजन नहीं हो सकत, तेकरा से बड़ा और विस्फोटक खबर का हो सकेला जी। बिल्कुल, तो खबरों का सिलसिला यूं ही न्यूज़ बिहार और भारत लाइव पे चलता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप दर्शकों के लिए रातों रात हम कुछ ऐसे ही खबरें लेकर आए जिससे लोकतंत्र में आप जनता जो आवाज़ बनते हैं अपनी आवाज़ों को बुलंद करे और बहरी, गूंगी और अंधी सरकार तक पहुँचाए। जुड़े रहे भारत लाइव टीवी के साथ, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।